बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने मोड्स इन फाइल की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम फाइल ऑपरेशन के एक फाइल पर आप कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं उसकी डिटेल्स शेयर करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड है और फाइल हैंडलिंग में हम दरअसल दो मेन ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिनमें पहला ऑपरेशन है फाइल पर कुछ राइट करना, यानी फाइल पर डाटा को स्टोर करना, और फाइल से कुछ रीड करना, यानी फाइल पर से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना यानी निकालना। और इन्हीं दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए सी आपको कुछ आईओ फंक्शंस प्रोवाइड करती है, जिनमें पहली टाइप है करेक्टर आईओ फंक्शन, उसके बाद है स्ट्रिंग आईओ फंक्शन, और आखिर में है फॉर्मेटेड आईओ फंक्शन। तो दोस्तों आइए इनको बारी बारी डिटेल में पढ़ते हैं। करेक्टर आईओ फंक्शन, और दोस्तों ये करेक्टर आईओ फंक्शन की डेफिनेशन देखिए। द करेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शंस आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू राइट सिंगल करेक्टर एट अ टाइम ऑन टू द फाइल, और वी वांट टू रीड सिंगल करेक्टर एट अ टाइम फ्रॉम द फाइल। यानी जब कभी भी आप हार्ड डिस्क में रखी किसी फाइल में से सिंगल करेक्टर, यानी एक वक्त में सिर्फ एक करेक्टर को फाइल में से रीड करना चाहते हैं, फाइल में से निकालना चाहते हैं, या फिर एक वक्त में एक ही करेक्टर को फाइल पर राइट करवाना चाहते हैं, फाइल पर स्टोर करवाना चाहते हैं, तो फिर आप करेक्टर आईओ फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों सी आपको दो तरह के करेक्टर आईओ फंक्शन प्रोवाइड करती है। नंबर वन इज एफ गेट सी और गेट सी फंक्शन। नंबर टू इज एफ पुट सी और पुट सी फंक्शन। दोस्तों एफ गेट सी फंक्शन क्या होता है? दोस्तों यहाँ गेट से मुराद है फाइल में से डेटा को रीड करना, ये फाइल में से डेटा को निकालना, और सी से मुराद है सिंगल करेक्टर, यानी ये जो एफ गेट सी फंक्शन है ये सिंगल करेक्टर को फाइल में से रीड करने के लिए या फिर फाइल में से निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये इसका सिंटेक्स देखिए। डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस सिंटेक्स पर गौर करें तो यहाँ हमने एफ गेट सी फंक्शन में पैरामीटर पास करवाया है फाइल पॉइंटर को। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा था कि एफ गेट सी फंक्शन का काम है कि फाइल में से एक करेक्टर को निकाल कर लाना, तो यहाँ हमें एफ गेट सी फंक्शन को बताना भी तो पड़ेगा कि आपको हार्ड डिस्क में रखी कौन सी फाइल में से करेक्टर को निकालना है। और क्योंकि फाइल पॉइंटर दरअसल पॉइंट कर रहा होता है उस फाइल को जिसको हमें हार्ड डिस्क में से निकाल कर लाना है या फिर जिस पर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, इसीलिए जब हम एफ गेट सी फंक्शन में फाइल पॉइंटर को एज अ पैरामीटर पास करेंगे तो एफ गेट सी फंक्शन को भी पता लग जाएगा कि उसे किस फाइल में से डाटा को रीड करना है, यानी किस फाइल में से एक करेक्टर को निकाल कर लाना है। तो अब ये जो एफ गेट सी फंक्शन है ये फाइल में रखा पहला करेक्टर रिटर्न कर रहा है। अब दोस्तों हमारे पास करेक्टर तो आ गया, यानी डाटा तो आ गया, लेकिन आप जानते हैं कि हमें अपने डाटा को बार बार यूज करने के लिए उन्हें वेरिएबल्स में स्टोर करना होता है, तो इसीलिए फाइल में से जो करेक्टर हमें मिलेगा उस करेक्टर को भी तो हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना होगा। और क्योंकि फाइल एक करेक्टर रिटर्न कर रही है तो उसे हम जिस वेरिएबल में हम फाइल से आने वाले करेक्टर को रखेंगे वो वेरिएबल भी चार टाइप ही होना चाहिए, करेक्टर टाइप ही होना चाहिए। यानी आप जानते हैं ना कि अगर आपका वेरिएबल करेक्टर टाइप है तभी वो किसी करेक्टर को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। इसी तरीके से अगर आपका वेरिएबल इंटीजर टाइप है तो फिर वो नंबर को अपने ऊपर स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पर हमें भी एक करेक्टर वेरिएबल चाहिए होगा क्योंकि हम टेक्स्ट फाइल में से डाटा को निकाल रहे हैं और टेक्स्ट फाइल में आमतौर पर करेक्टर्स रखे होते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हमने यहाँ सिंटेक्स में भी लिखा कि चार वेरिएबल इक्वल्स टू एफ गेट सी, यानी इस स्टेटमेंट के जरिए फाइल से आने वाले करेक्टर जो है वो स्टोर हो जाएगा वेरिएबल में। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि एफ गेट सी फंक्शन काम किस तरह करता है। सबसे पहले तो एफ गेट सी फंक्शन के अंदर आप अपने फाइल पॉइंटर को एज अ पैरामीटर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये फाइल पॉइंटर पॉइंट कर रहा होता है उस फाइल को जिस पर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, जिस पर से डेटा को रीड करना चाहते हैं। अब इस एफ गेट सी फंक्शन को ये फाइल मिल गई, इस फाइल में से एक करेक्टर को रीड करेगा और रीड करने के बाद उस करेक्टर को रिटर्न कर देगा इस चार वेरिएबल के अंदर। अब आइए दोस्तों एक प्रोग्राम के जरिए इसको मजीद समझते हैं। दोस्तों ये आपके सामने एक फाइल मौजूद है maktab.txt के नाम से, और इस फाइल के अंदर ये डाटा मौजूद है हेलो वर्ल्ड।
अब दोस्तों हम इस फाइल में से डाटा को रीड करना चाहते हैं क्योंकि ये फाइल जो है ये हार्ड डिस्क में मौजूद है। तो दोस्तों आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक करेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। और यहाँ करेक्टर वेरिएबल हम इसलिए डिक्लेयर कर रहे हैं क्योंकि जो भी हमारा फाइल में से डाटा आएगा, जो भी हमारा फाइल में से सिंगल करेक्टर आएगा, उसको हमें किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना होगा। तो इसीलिए ये जो सी एच वेरिएबल है ये फाइल से आने वाले करेक्टर को अपने अंदर स्टोर करेगा। इसके बाद हमने एक फाइल पॉइंटर डिक्लेयर किया है। इसके बाद दोस्तों हमने एफ ओपन फंक्शन के थ्रू फाइल को ओपन किया है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि चाहे आप फाइल को रीड कर रहे हो, फाइल पर कोई डाटा राइट कर रहे हो, आप कोई सा भी आईओ फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको तीन काम करने जरूरी है, फाइल पॉइंटर डिक्लेयर करना, फाइल को एफ ओपन फंक्शन के थ्रू ओपन करना और आखिर में फाइल को एफ क्लोज फंक्शन के थ्रू क्लोज करना। अब दोस्तों यहाँ पर हमने एफ ओपन फंक्शन के अंदर बताया है कि हमें maktab.txt के अंदर रखे हुए डाटा को रीड करना है, यानी यहाँ पर आर मोड जो है ये रीड के लिए है। और दोस्तों जो भी एफ ओपन रिटर्न करेगा जिस वेरिएबल का एड्रेस, वो fp को मिल जाएगा। और इस तरह से फाइल पॉइंटर अब दरअसल पॉइंट करेगा इस maktab.txt फाइल को जो कि हार्ड डिस्क में रखी है। अब इसके बाद दोस्तों क्योंकि हमने यहाँ पर आर मोड लिखा है और आप जानते हैं कि आर मोड के लिए हमें ये चेक करवाना हमेशा जरूरी होता है कि आपके फाइल पॉइंटर के अंदर नल तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर आप जिस फाइल को रीड करना चाहते हैं, जिसमें से डाटा को निकालना चाहते हैं, वो मौजूद ही नहीं है, तो फिर आपका ये जो एफ ओपन फंक्शन है ये नल रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये फाइल मौजूद है भी या नहीं, और आप जानते हैं कि ये maktab.txt फाइल मौजूद है तो ये नल रिटर्न नहीं करेगा। इसके बाद हमने असल आपकी स्टेटमेंट लिखी है जिसके जरिए आप करेक्टर को रीड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा चार वेरिएबल जो कि हमारा सी एच है, फिर इक्वल्स टू का साइन, उसके बाद एफ गेट सी फंक्शन, और एफ गेट सी फंक्शन के अंदर हमने फाइल पॉइंटर fp को पास करवाया है। अब दोस्तों ये स्टेटमेंट क्या कहेगी, ये कंपाइलर को बोलेगी कि फाइल पॉइंटर जिस फाइल को पॉइंट कर रहा है उसमें से एक करेक्टर निकाल कर लाओ। जैसे ही एफ गेट सी फंक्शन को वो करेक्टर मिलेगा तो वो असाइन कर देगा उस करेक्टर को इस सी एच वेरिएबल को। और दोस्तों उसके बाद प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू आप इस सी एच वेरिएबल के अंदर रखे हुए डाटा को प्रिंट करवा देंगे और आखिर में दोस्तों फाइल को क्लोज कर देंगे। अब आइए देखते हैं क्या हमारी आउटपुट स्क्रीन पर जो maktab.txt फाइल के अंदर पहला करेक्टर है वो आपको शो हुआ है या नहीं। और ये देखिए दोस्तों, द करेक्टर रीड फ्रॉम द फाइल इज एच, और आप जानते हैं कि हमारी इस फाइल का जो पहला करेक्टर है वो भी एच है। अब डियर फ्रेंड्स, ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं ये सिर्फ एक करेक्टर को ही फाइल में से रीड करेगा, जबकि फाइल में तो आप देखें तो बहुत सारे करेक्टर हैं। तो अगर आप पूरी फाइल को रीड करना चाहते हैं तो आपको ये सी एच इक्वल्स टू गेट सी फंक्शन वाली जो आपकी लाइन है इसको उतने टाइम्स रिपीट करना होगा जब तक कि फाइल पूरी एंड ना हो जाए। यानी मान लीजिए अगर फाइल में 10 करेक्टर्स हैं तो आपकी ये जो स्टेटमेंट है ये 10 टाइम्स रिपीट होगी, तभी फाइल में से आप 10 करेक्टर्स को रीड कर सकते हैं। यानी आपको इस स्टेटमेंट को रिपीट करना होगा और रिपीटेशन के लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर दोस्तों हम इस सी एच वाली स्टेटमेंट को लूप में रख दें और लूप हमारा तब तक चलता रहे जब तक कि फाइल पूरी एंड ना हो जाए, तो इस तरह हम पूरी फाइल में रखे करेक्टर को रीड कर सकेंगे। और दोस्तों ये देखिए इसका कोड कुछ इस तरह का होगा। दोस्तों यहाँ हमने डू व्हाइल लूप लगाया है, तो यहाँ पर सी एच वेरिएबल के अंदर पहला करेक्टर आ जाएगा और फिर उसके बाद वो करेक्टर प्रिंट हो जाएगा। और अब व्हाइल में दोस्तों हम कंडीशन देंगे कि ये लूप तब तक चलता रहे जब तक कि ये फाइल एंड ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों ये जो ई और ई ओ एफ है ये एक कांस्टेंट है जिसमें नेगेटिव वैल्यू स्टोर होती है। अब जब आपने कंडीशन दी है सी एच इज नॉट इक्वल्स टू ई ओ एफ, तो ये कंडीशन तब तक ट्रू रहेगी जब तक के फाइल में कोई एक भी करेक्टर मौजूद रहेगा। जब पूरी फाइल रीड हो जाएगी उसमें कोई करेक्टर नहीं बचेगा तो सी एच अब करेक्टर के बजाय नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी सी एच के अंदर अब नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, जिसकी वजह से ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि -1 इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि सी एच में भी -1 होगा और ई ओ एफ में भी -1 होगा, तो ये कंडीशन जो है वो फिर फॉल्स हो जाएगी। और इस तरह दोस्तों जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा और एफ क्लोज फंक्शन के थ्रू ये फाइल क्लोज हो जाएगी। इस तरह डियर फ्रेंड्स आप एक फाइल में मौजूद तमाम करेक्टर्स को 1 बाय 1 रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों आइए इस प्रोग्राम को भी रन करके देखते हैं
और ये देखिए दोस्तों, आपकी जो maktab.txt फाइल थी उसके अंदर टेक्स्ट था, यानी इस पूरी फाइल के अंदर जितने कैरेक्टर्स थे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था। और अगर आप अपने रिजल्ट पर भी गौर करें इस प्रोग्राम के, तो इसका रिजल्ट भी आपको वही मिला है, विच मीन्स के आपकी पूरी फाइल रीड हो चुकी है। दोस्तों यहाँ हमारे लेक्चर का इख्तिताम हुआ, जिसमें हमने सीखा कि कैरेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं और एफ गेट सी फंक्शन किस तरह से काम करता है। अगले लेक्चर में हम कैरेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन का पार्ट 2 एफ पुट सी फंक्शन की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।